हेलो एवरीवन, दिस इज सुनैना माडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है दुर्गा अष्टमी और मम्मी बस अभी रेडी हो रही है। जैसे मम्मी रेडी होती है फिर हम दोनों जाएंगे पूजा करवाने और मैं आपको वहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ। वैसे सबको पता होता है कि पूजा कैसे होता है, क्या होता है वहाँ, क्या क्या होता है, बट फिर भी मम्मी न्यू कॉलोनी का पूजा पंडाल में आ गए हैं। ललित आप कुछ बोलना चाहेंगे? मुसाफनी का सबसे बेस्ट वाला यहाँ पे रावण दहन होने वाला है। हाँ। दशमी में, दशमी के दिन ये है न्यू कॉलोनी का पंडाल। पंडाल सबसे बेस्ट है, बेस्ट। अगर यहाँ पे ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की बेस्ट पंडाल का प्राइस किसको मिला तो इसी को मिलता। आप देख सकते हैं पीछे बहुत सुंदर लग रहा है। तो पैदल घूमने में ज़्यादा मज़ा आता है पूजा में भीड़ के साथ। कल तो लवली आई नहीं थी, आज है नवमी, रास्ते में यहाँ बहुत अंधेरा है, पर कोई बात नहीं। Yeah,
वहाँ राजा प्रसाद वितरण करते हुए। शीशा अच्छे से नहीं पोछा हुआ है। वेज कर रहे हैं, वेज वेज फ्राइड राइस, हाँ, और वेज मंचूरियन, मतलब हाँ वेज मंचूरियन। तो हमारा खाना थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है। ये दोनों है वेज चाउमीन। ये रहा हमारा खाना फाइनली आ चुका है। ये चिकन और ये है वेज और ये वेज फ्राइड राइस। ये हमारा फेवरेट मसाला कोला। यस चुके हैं रावण दहन वाला एरिया। अभी थोड़ा देर में आएगा, बस थोड़ा बहुत चलना है, करीबन 50-60 हज़ार कदम। तो आज मेरी दीदी के लिए मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ रावण दहन के अवसर पर। ज़्यादा ही हिंदी हो गया। और ये मेरी फेवरेट दीदी। लगभग हम लोग एंट्रेंस वाली एरिया में पहुँच चुके हैं, बहुत जल्दी पहुँच गए, ज्यादा नहीं, बस 15 मिनट तक का चलना था। तो गाइज आपके अपने वाले व्लॉगर पीछे में है और मैं हूँ न्यू व्लॉगर। तो गाइज यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है और नीचे कीचड़ भी है। भीड़ के साथ बहुत ज्यादा भीड़ है, आप देख सकते हैं पीछे और इस तरफ भी। जलाने वाले हैं रावण को भी देखिए। वो रहा रावण जो अच्छे से नहीं दिख रहा। नहीं अच्छे से तो नहीं दिख रहा, जूम इन की है, फिर भी वहाँ अंधेरा है ना, जब जलेगा तो बढ़िया से दिखेगा, जलते हुए एकदम क्लियर दिखाएगा। चांद दिख रहा है, तारा। अब देख सकते हैं यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है और ये ललित नहीं दिख रहा है। अरे दूर से करके बताओ भाई। दिख रहा है कैमरे, वो रहा रावण रावण रावण। हम तब से वेट कर करके थक गए हैं और अब तक रावण दहन तो स्टार्ट नहीं हुआ है, रावण नहीं जल रहा है। राम जी और सीता माता पधार रहे हैं।
हनुमान जी का अनुशासन करते हुए हनुमान जी का मुकुट बाहर आ गया है। संदेशा लेकर आया हूं आपके लिए श्री राम का।